धर्मात्मा राजा थे बड़े, और राजर्षि अंग से एक दुष्ट पुत्र वेन का जन्म हुआ। वेन के राजा बनने से राज्य में अराजकता फैली, राज्य में धर्म का ह्रास होने लगा। ऋषियों ने धर्म को नष्ट होते हुए, धर्म को क्षीण होते हुए जब देखा, वेन को समाप्त कर दिया, अराजकता हुई, तब वेन के शरीर को मथा गया। जांग से एक काले रंग के पुरुष का जन्म हुआ जो निषाद कहला, यहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। भुजाओं को मथा गया तो भुजाओं के मंथन से स्वयं श्री भगवान महाराज अंग के वंश को पवित्र करने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी पृथु जी के रूप में अवतरित हुए। वह श्री पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी अवतरित हुए, जिस समय पृथु जी महाराज राजा बने हैं, पृथ्वी ने अन्न को छिपा लिया, पृथु जी ने पृथ्वी का दोहन किया और ब्रह्मावर्त क्षेत्र में 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। 99 यज्ञ उनके हो गए थे, आखिरी यज्ञ शेष रह गया था। उस यज्ञ में बारंबार देवराज इंद्र विघ्न डालने लगे, बार बार यज्ञ का घोड़ा चुरा ले जाते, बिना घोड़े के यज्ञ कैसे संपन्न हो। पृथु जी महाराज ने विचार किया कि हमारे यज्ञ करने से यदि इंद्र के मन में द्रोह पैदा हो तो ऐसे यज्ञ करने से हमें क्या लाभ होगा। पृथु जी महाराज ने यज्ञ को वहीं बंद कर दिया। इंद्र सोच रहे हैं, जहाँ इनके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो ये स्वर्ग के राजा ये बन जाएंगे, ये देवराज हो जाएंगे। लेकिन पृथु जी महाराज को तो स्वर्ग आदि की कोई इच्छा है नहीं, यज्ञ बंद कर दिया। बस उनके इसी शील स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए और वरण चमत कंचन मानवेंद्र वृणीश्व तेहम गुणशील यंत्रतः। हे राजन पृथु, ठाकुर जी कहने तुम्हें जो चाहिए हमसे मांग लो, तुम ये मत सोचना कि हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न होकर आए हैं। ऐसे सैकड़ों क्या हजारों यज्ञ से हम प्रसन्न नहीं हो सकते, हम तो केवल शील स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। शील स्वभाव माने महाभारत में लिखा है, शील स्वभाव 3 गुण मिलकर बनता है। शील गुण 3 गुण मिलकर बनता है, अद्रोह, दया और दान। अद्रोह माने किसी से द्रोह न किया जाए, बैर न किया जाए, और बैर कोई कर भी रहा है तो उस पर दया की जाए, और दान माने उसे अभेदान दे दिया जाए। ये शीलवान व्यक्तियों का लक्षण होता है। तो जो देवराज इंद्र ईर्ष्यावश बार बार यज्ञ के अश्व को चोरी करके ले जाते, उन्हीं को पृथु जी ने क्षमा कर दिया, हृदय से लगा लिया। बस इस शील से प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी आ गए, वर मांग लो। तब श्री पृथु जी महाराज ने कहा, भगवान ये नारकाणाम अपि संति देहि नाम तानीश कैवल्य पते व्रणे न च। मुझे आपसे विषय भोग तो चाहिए नहीं, क्यों? क्योंकि विषय भोग तो नरक में भी मिल जाता है। एक कुत्ता भी विषय भोग लेता है, गधा भी विषय भोग लेता है, पक्षी भी विषय भोगता है। विषय तो हर जगह आदमी को उपलब्ध हो जाता है, चाहे जिस योनि में चला जाए। मुझे विषय नहीं चाहिए, क्योंकि विषय तो नारकी योनियों में भी मिल रहे हैं, और उन्हीं को यदि मैं आपसे मांगूं तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और कैवल्य पते, मैं ये भी जानता हूं कि आप मोक्ष के अधिपति हैं, मोक्ष भी दे सकते हैं, पर मुझे आपसे मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? पृथु जी महाराज कह रहे हैं, भगवान न काम ये नाथ तदप्य हम क्वचन न यत्र युष्म चरणाम बुजा सवह। मोक्ष में ठीक है, जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगी, पर मोक्ष में आपके चरण कमलों का मकरंद थोड़ी मिल जाएगा, चरण कमलों का रस थोड़ी मिल जाएगा, आपकी लीला का रस थोड़ी मिलेगा, कथा कीर्तन का रस थोड़ी मिलेगा। मोक्ष नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहें तो महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमेशमेव रह। मुझे 10,000 कान दे दें, जिन कानों से मैं आपके भक्तों के श्रीमुख से निकलने वाले, आपके चरणों को छूकर आने वाले आसव को पीता रहूं। पृथु जी महाराज बड़े चतुर हैं। भगवान ने कहा था वरदान मांग लो, ऐसा थोड़ी कहा था कि बहुत से वरदान मांग लो, पर एक ही वरदान में पृथु जी ने 3-3 चीजें मांग ली।
प्रथु जी कह रहे हैं पहली बात तो 10,000 कान चाहिए, तो 2 कान कम है क्या? तो क्या रोम रोम में कान चाहिए? नहीं नहीं, तो रोम रोम में कान नहीं। कान से उनका अभिप्राय है जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर भरते रहें ये कान लेकिन कभी पूर्ण न हो। समुद्र में हजारों नदियां मिलती हैं पर समुद्र कभी अघाता थोड़ा ही है कि भाई अब बस करो, पेट भर गया अब नहीं समा सकता है, ऐसा थोड़ा ही कभी समुद्र कहता है। हमारे 10,000 कान मांगने से मतलब रोम रोम में कान हो जाए ऐसी बात नहीं है। 10,000 कान मांगने से मतलब श्रवण की इतनी अभिलाषा बढ़ जाए कि दिन रात सुनने के बाद भी कभी सुनने से तृप्ति न हो। तो ठीक है, श्रवण अभिलाषा तो देते हैं पर महाराज श्रवणाभिलाषा तो चाहिए ही चाहिए। अब पात्र तो मिल गया पर पात्र में अमृत भी तो मिलने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी से सुन लें। कथा तो एक पंडित भी बहुत अच्छी कह सकता है, विद्वान भी और अच्छी कह सकता है, पर ना पंडित के मुंह से ना विद्वान के मुंह से। जिनके हृदय में आपके चरण कमल विराजे हुए हैं ऐसे भक्त जब कथा कहते हैं तो उनके मुंह से जो वायु निकलती है वो भगवान के चरणों को स्पर्श करके ही निकलती है, और वही वायु जब सुनने वाले के कान के द्वारा हृदय में जाती है तो उसके हृदय के मल को नष्ट कर देती है। यानी संतों के मुंह से कान के मार्ग से साक्षात भगवान ही हृदय में आ जाते हैं। जो भगवान संतों के हृदय में विराजमान हैं वे जब कथा कहते हैं तो उनकी वायु के माध्यम से वे ही श्री ठाकुर जी श्रोता के कर्ण मार्ग से जाकर उसके हृदय में विराज जाते हैं, वहां विराजित हो जाते हैं। तो श्रवण की अभिलाषा भी चाहिए और संतों के मुंह से ही कथा सुननी है तो कितनी चीज हो गई। भगवत कथा, अब भगवत कथा कोई भक्त ही तो कहेंगे, कथा की सन्निधि, भक्तों की सन्निधि और श्रवण की अभिलाषा निरंतर बढ़ती रहे, तीन चीजें पृथु जी ने एक ही बार में मांग ली। श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, वरदान देकर चले गए। और पृथु जी ऐसे रसिक श्रोता हैं, अगर कोई सुनाने वाला मिल गया तो बैठकर आराम से सुनते हैं, और नहीं सुनाने वाला मिलता तो प्रजा को बैठा लेते और स्वयं ही कथा कहते, स्वयं सुनाने लगते। ये रसिकों का लक्षण है। अब ये थोड़ी रोज रोज कोई जरूरी है कोई सुनाने वाला मिल जाएगा, भाई कोई सुनाने वाला नहीं मिल रहा कहाँ से कथा कीर्तन सुने। अरे नहीं सुनाने वाला मिल रहा है तो स्वयं ही सुनाओ, लेकिन निरंतर संबंध कथा कीर्तन से बना रहना चाहिए, निरंतर बने रहना चाहिए। ऐसे श्री पृथु जी महाराज जिन्होंने महाराज अंग की वंश परंपरा को पवित्र किया है, इन्हीं से इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन बरही राजा हुए हैं जिनसे प्रचेता आदि पुत्र हुए। नारद जी की कृपा से उनको भगवत सिद्धि की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रार्थना की है, भगवान स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों में से आपने महाराज उत्तानपाद के वंश का वर्णन तो सुनाया जिनके पुत्र ध्रुव जी हुए, प्रियव्रत जी के विषय में आपने कुछ नहीं कहा। मैं प्रियव्रत जी के विषय में जानना चाहता हूँ, क्योंकि प्रियव्रत जी तो नारद जी की कृपा से बाल्यकाल से ही वो निवृत्ति धर्म के आश्रयी थे, फिर वो गृहस्थ में क्यों फंसे और गृहस्थ में रहकर उन्होंने भक्ति कैसे की। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कहे हैं, जिस समय स्वयंभू मनु ने प्रियव्रत जी महाराज को विवाह की आज्ञा दी है, प्रियव्रत जी ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। बोले पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थ के चक्कर में फंस गए तो भजन कहाँ से बनेगा। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी समझाने आए और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को समझाया, प्रियव्रत भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः स आस्ते सहषट् सपत्नः। देखो भजन ऐसी क्रिया नहीं है कि ब्रह्मचारी बनकर ही की जाए या सन्यासी बनकर ही की जाए, भगवत भजन तो किसी भी वर्ण में किसी भी आश्रमधारी को सबके लिए करने योग्य है, सभी को करना चाहिए।
प्रायः लोग अपना बचाव करने के लिए ऐसा कह देते हैं, अब तो गृहस्थ में फंस गए, अब कहाँ से भजन हो, बाबा जी होते तो भजन करते, अब तो हजार प्रपंच हैं। ये सब केवल अपने बचाव की बातें हैं। कितने सदगृहस्थ भक्तों के नाम गिना दें जिन्होंने सदगृहस्थ धर्म में भक्ति की है, और ऐसी भक्ति की कि कोई साधारण गृहस्थ तो क्या ये भक्ति कर पाएगा। ऐसी भक्ति की है, श्री भक्तमाल जी में चर्चा है पीपा जी महाराज की, गानगौरगढ़ के राजा थे, और श्री पीपा जी महाराज ने ऐसी भक्ति की, इनकी स्त्री ने शरीर बेचकर संतों की सेवा की, शरीर बेच के। संत हिम्मत दास जी की कथा अगर भक्तमाल में देखें, संत घर में आ गए, अब संत हिम्मत दास जी सोते जाति के बाढ़ ही थे, तो घर का सब सामान, अब घर में बस कीर्तन भजन ही किया करते, अब कोई आदमी खूब लुटाए और कमाए ना तो वो घर का धन कितने दिन तक चलेगा। अब रोज संत आते, रोज भंडारा घर में कर देते, कमाते वमाते थे नहीं, प्रभु इच्छा से धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े तक बिक गए। एक दिन कुछ संत घर में पधारे, इनकी स्त्री बैठी हुई थी, ये बड़े चिंतित थे, अब आज क्या किया जाए। तो इनकी स्त्री ने कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, अभी मेरे नाक में ये जो नथनी मैंने धारण की हुई है सौभाग्य का चिन्ह होता है, आप इसे बेच दें, संतों की सेवा से बढ़कर हमारा सुहाग भाग क्या होगा, आप इसे बेच दें और संतों को जो प्रसाद पवाना चाहें पवा दें। तो संत हिम्मत दास जी अपने स्त्री की नाक के में पहनने वाला आभूषण वह नथ जाकर सुनार को दे आए, और जो पैसा मिला वही आटा दाल चावल ला के संतों की पंगत करा दी। अब इधर श्री ठाकुर जी सोच रहे हैं, स्वयं भगवान संत हिम्मत दास जी तो अपना भोजन करा के चले गए संतों को बाहर, अब भगवान हिम्मत दास जी का रूप बना के आए, और वैसी की वैसी वही नथ, और सेठ जी के पास सुनार के पास जाके छुड़ा लाए, लो भाई तुम्हारे जितने पैसे हैं तुम पैसे लो, ये नथ दो। अरे अभी तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं था, अब कहाँ से पैसे ले आए। अरे आज की बात नहीं, आज से पहले का भी अगर कुछ हो, कोई चुकता करना हो तो हम वो सब भी कर सकते हैं, आज हमारे पास चारों ओर से धन आ गया है। तो स्वयं ठाकुर जी थे, सब हिसाब करके और नथनी चुका के ले आए, छुड़ा के वहाँ से ले आए। उस समय हिम्मत दास जी की जो स्त्री थी वो गोबर थाप रही थी, ऊपरा बना रही थी, तब हिम्मत दास जी आए, नकली हिम्मत दास जी यानी ठाकुर जी, हिम्मत दास जी आए, बोले लो देवी ये तुम्हारी नथनी हम छुड़ा लाए, ये सुहाग का चिन्ह है, और इधर उधर से व्यवस्था करके हमने तुम्हारी नथनी छुड़ा दी है। तो उनकी स्त्री ने कहा, तो नाथ अभी तो हाथ गोबर में सने हुए हैं, ऐसा है आप ही धारण करा दो। तो स्वयं श्री ठाकुर जी जो हिम्मत दास जी के रूप में आए हुए थे, अपने हाथों से भगवान ने उनकी स्त्री को नाक में नथ धारण कराई। और इधर असली हिम्मत दास जी के आने का समय हो गया, तो ठाकुर जी भागे वहाँ से, अब तो पकड़े जाएंगे। हिम्मत दास जी, नकली हिम्मत दास जी भाग गए, असली हिम्मत दास जी आ गए, अरे देवी ये नाक में आभूषण कहाँ से मिल गया। अरे मिल कहाँ से गया, आप ही तो छुड़ा के लाए थे, हम कहाँ से छुड़ा लाए, हमारे पास कोई धन की व्यवस्था नहीं, कहाँ से छुड़ा लाएंगे, आप ही तो छुड़ा के लाए हैं। गए सुनार के पास दौड़े दौड़े, सुनार को कहा, भाई नथ कहाँ है, आप ले तो गए छुड़ा के, वहाँ कलह हो गया। आखिर में हिम्मत दास जी को समझ में आ गया कि हिम्मत दास जी के रूप में साक्षात नथ को छुड़ाने वाले और हमारी स्त्री को नाक में नथ धारण कराने वाले और कोई नहीं, संत से भी स्वयं श्री साक्षात ठाकुर जी ही थे, भक्तवत्सल भगवान ही थे। कितने भक्तों का चरित्र है। महाराज चीधड़ जी की स्त्री ने जो शरीर पर वस्त्र पहन रखे थे, पहने हुए लहंगे को बेचकर संतों की सेवा की, निर्वस्त्र नग्न होकर रसोई में बैठी रही, शरीर बेचकर संतों की सेवा की, ये भी तो सदग्रस्त हुए हैं। और हम लोग तो ग्रस्त धर्म को भजन से बचने का एक बहुत बड़ा मार्ग समझते हैं, अब तो ग्रस्त में फंस गए, अब कहाँ से भजन करें। अरे ग्रस्त में रहकर किसने भजन नहीं किया। प्रियव्रत जी महाराज को समझा रहे हैं ब्रह्मा जी, गृहस्थ से घबराओ मत, गृहस्थ में
ग्रहस्थ को जीने का तरीका सीखो। भयम् प्रमत्तस्य वनेष्वपिस्याद्। तुम सोच रहे हो साधु बन के भजन हो जाएगा, पर एक बात का ध्यान रखो, ये 6 शत्रु हमारे तुम्हारे सबके पीछे दिन रात ऐसे लगे हुए हैं कि चाहे कोई बाबा जी बन जाए, चाहे सन्यासी हो जाए, चाहे विरक्त हो के घर बार छोड़ दे, ब्रह्मचारी हो जाए, जो हो जाए, लेकिन 6 शत्रु सबके पीछे लगे हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य। किसके पीछे नहीं लगे 6 शत्रु? जब तक ये प्रमादी मन वश में नहीं है, तब तक ना जंगल में भजन होगा, ना घर में भजन होगा, ना हिमालय के पहाड़ पे भजन होगा, और ना जल के भीतर समाधि लगेगी। एकांत में भी चले गए, मान लो घर द्वार छोड़ दिया, नहीं विवाह किया तो वहां भी चले गए, तो जब तक मन नहीं वश में है, प्रकृति वश में नहीं है, तब तक वहां भी काम चिंतन होता रहेगा, कुछ नहीं तो अपने साधन का अहंकार ही होता रहेगा, मद ही होता रहेगा। देखो 18 घंटे एक आसन से बैठ के भजन करते हैं हम, 22 घंटा भजन करते हैं हम, 6 लाख नाम जाप करते हैं, वहां भी मदादि दोष नहीं छोड़ेंगे, वहां भी काम चिंतन नहीं छोड़ेगा, वहां भी मोह नहीं छोड़ेगा। चले गए फिर याद आ रही है घर की, अरे बेकार घर छोड़ा, वहां रहते तो ज्यादा मौज में रहते, तो मोह ही पीड़ित करता रहेगा। जब तक स्वभाव नहीं जीता है, जब तक मन नहीं वशीभूत है, तब तक वहां भी काम चिंतन, स्त्री चिंतन होता रहेगा। एक बड़ा सुंदर पद है महापुरुष का, श्री हरिदास जी एक संत हुए हैं, बड़ा सुंदर उनका पद है, साधो जग कामिनी ऐसी रे, राजा रंक सभी के घर में बागिन वह के बैठी रे, बस्ती छाण करे बनवासा चावत सूखे पाता रे, दाव परे तने हुको मारे छाती पे दे लाता रे। जो सूखे पत्ते चबाकर भजन करने वाले हैं उनको भी काम आदि नहीं छोड़ पाते, अवसर पड़ते ही छाती पे लात धर के, और ये माया रूपी स्त्री उन्हें भी नचा देती है, पटक देती है। ज्ञानी गुणी सूर और पंडित ये तो सबे सयाने रे, सूदे होए परे फांसी में युवती हाथ बिकाने रे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, क्रांतदर्शी विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित भी चक्कर में आ जाते हैं। तीन लोक मह काहू न छाणो, दावे दाड़ तर मारे रे, हरिदास हरि सुमिरन लागे तब भगवंत उबारे रे। ये तो भगवान कृपा कर दें तो ही बचना बचा जा सकता है, अन्यथा माया कहीं नहीं छोड़ेगी। रमैया तेरी दुल्हन ने लूटा बाजार, श्रृंगी की मिंगी कर डारी पारा शर के उदर विदार। कितने पद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कहा, माया मां ठगनी हम जानी। महा ठगनी है माया, कितने पद मिलते हैं। तो कहने का भाव, मन यदि वशीभूत नहीं है तो ना ब्रह्मचर्य आश्रम में भजन होगा, न गृहस्थ में भजन होगा, न वानप्रस्थ में भजन, और न संन्यास में भजन, बल्कि एकांत प्रवास आदि में तो पतन का ज्यादा भय रहता है। साधक को हमेशा समूह में रहकर भजन करना चाहिए, हमेशा समूह में रहकर। जिस समय श्री भर्तृहरि जी महाराज वैराग्य लेने जा रहे थे, तो उनकी माता ने उनको 4 सूत्र में 4 शिक्षाएं दी। वो 4 शिक्षाएं थी, उन्होंने कहा, बेटा घर छोड़ के तो जा रहे हो, पर सदा किले में रहना और बढ़िया सुंदर सुस्वादिष्ट भोजन करना। तीसरी चीज, फूलों की शैया पर सोना। और चौथी चीज, उदर शोधन करना। 4 चीजें दी। तो भर्तृहरि जी समझ नहीं पाए, उन्होंने अपनी माता जी से कहा, माता जी अब घर छोड़ के जा रहे हैं तो किले में रहने थोड़ी जा रहे हैं, महल बनाने थोड़ी जा रहे हैं। माता जी ने कहा, लेकिन पुत्र, किले में रहने का अभिप्राय है, घर छोड़ के तो जा रहे हो, पर किले में रहना
किले में रहना माने सुरक्षित स्थान पर, सुरक्षित स्थान यानी समूह में रहना, हमेशा भक्तों के समूह में रहना। अकेले रहोगे, एकांत में रहोगे तो काम चिंतन होगा, विषय चिंतन होगा, कुछ नहीं तो साधन भजन का अभिमान ही होता रहेगा। भक्तों के समूह में रहना, समूह में रहोगे तो इधर उधर की बातें करने का और इधर उधर की बातें सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, तो हमने जो तुम्हें उपदेश के रूप में दी है, सुस्वादिष्ट भोजन करना। सुस्वादिष्ट भोजन, अब घर छोड़ के जा रहे हैं तो कई क्या पता कंदमूल फल खा के जीवन बिताना पड़े और क्या पता वह भी ना मिले, और आप कह रही हैं सुस्वादिष्ट भोजन। तो माता जी बोली, बेटा सुस्वादिष्ट भोजन करने से अभिप्राय है कि जब खूब भूख लगे तभी भोजन करना, बहुत भूख लगने पर भोजन करना, तो जो भी खाओगे वह अमृत तुल्य हो जाएगा। और तीसरी चीज, फूलों की सेज पर सोना। तो फूलों की सेज पर सोने से अभिप्राय है जब खूब नींद आए, ऐसी नींद कि बस अब गिर ही जाएंगे, तभी शयन करना, नहीं तो सतत साधन करना। अब कृषक लोग खेती करते हैं, किसान लोग, तो माटी डेले में जहां चाहे नींद आए वहीं पड़ जाते हैं, और बड़े बड़े सेठों को देखो तो नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती। और कृषक लोग जंगल में भी फूलों की सेज पे सोते हैं, जहां आए, जहां निद्रा आई वहीं पड़ गए, वहीं सो गए। तो ये है फूलों की शैया का शयन। और चौथी चीज, उदर शोधन। किसी भी प्रकार की व्याधि यदि शरीर में हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उदर शोधन, पेट साफ जरूर होना चाहिए, क्योंकि उदर से ही समस्त रोग होते। चार सूत्र उनकी माता जी ने उनको कहे। सबसे ध्यान रखने योग्य बात जो है, हमेशा भक्तों के समूह में रहना चाहिए, समूह से घबराना नहीं चाहिए, समूह में रहो। श्री ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को कहा है, प्रियव्रत विवाह करो और गृहस्थ आश्रम में ठाकुर जी की भक्ति करो। गृहस्थ आश्रम से घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि एक पद है, कहा गृहस्थ कहा त्यागी संतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी, बाहर भीतर घट घट माया लागी, कहा गृहस्थ कहा त्यागी संतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी, कहा गृहस्थ कहा त्यागी संतो, खंभा है। जैसे घर खंभा
गुण और अवगुण से इसका छाया गया है और पांच तत्व आकार मिलाकर पांच तत्व आकार मिलाकर सहज ही गिरह बनाया सहज ही गिरह बनाया कहा गृहस्थ कहा त्यागी संतो कहा गृहस्थ कहा शरीर बना है और देखो कैसा घर है इस घर के भीतर भी एक घर है दरियाब जी महाराज कह रहे हैं मन भयो पिता मनीषा भई माई सुख दुख दोनों भाई मन भयो पिता मनीषा माई सुख दुख दोनों और मन के अनुकूल हो गया तो सुख हो गया और मन ने जो नहीं चाहा वो हो गया तो दुख मन रूपी पिता और बुद्धि रूपी माँ से सुख और दुख नाम के दो बेटा हुए फिर दो लड़की भी हुई आशा तृष्णा बहने मिलकर आशा तृष्णा क्या है मिलने के बाद ये कम रह गया और मिल जाए ये तृष्णा है किसी वस्तु को चाहना आशा है और मिलने पर और मिल जाए ऐसा भाव जो है ये तृष्णा है और सुनो मोह भयो पुरुष कुबुद्धि भई घरनी पांचों लड़का जाया मोह भयो पुरुष कुबुद्धि भई लड़का जाया प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर कलहल बहुत मचाया कलहल बहुत मचाया मोह रूपी पुरुष ने कुबुद्धि रूपी स्त्री से विवाह कर लिया उससे कामादि पांच पुत्र उत्पन्न हुए और प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर जैसे परिवार तो छोटा होता पर कुटुंब खानदान बहुत बड़ा होता है वैसे इस मोहरूपी पुरुष का बहुत बड़ा कुटुंब है कौन सा कुटुंब ये जीव का अनंतानंत प्रकार का जो स्वभाव है वही इसका कुटुंब है किसी का सात्विक किसी का राजस किसी का तामस ये अनंत प्रकार का स्वभाव ही इस जीव का अनंत प्रकार का कुटुंब है लड़कों के संग लड़की जाई ताका नाम अधीरी लड़कों के संग लड़की जाई ताका नाम विषय भोग के प्रति जो व्याकुलता जीव की है यही अधीरता है ये लड़की ऐसी है कि कोई वन में चला गया जंगल में चला गया वहां बाबा जी बन गए साधु बन के बैठ गए उसके बाद भी जीव की दुर्दशा कर देती है वहां भी विषय भोग के लिए जीव व्याकुल रहता है कहां से लड्डू आ जाए कहां से मोहन थार आ जाए ये जीव का विषय ही तो है अन
अनेकानेक प्रकार का विषय भी वहां जीव को छोड़ता नहीं है। पाप पुण्य दो पाड़ पड़ो